जो दूसरा कैंप है, जरा उसकी बात करते हैं। अमित, आप दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कुछ देर में आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अब स्थिति जो अमेठी में है वो स्थिति रायबरेली में अब दिनेश प्रताप सिंह के लिए हो गई है, क्योंकि सामने इतना बड़ा हैवी वेट आ गया है। अब जाहिर बात है वो क्या बोलेंगे, आप उनसे क्या पूछेंगे, उस पर सबकी नजर रहेगी। देखिए 2014 में जब स्मृति ईरानी अमेठी से हारी थी तो उस समय भी उनके सामने बहुत बड़ा हैवी वेट था, राहुल गांधी का नाम था, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता उस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक वही आलम जो है इस वक्त दिनेश प्रताप सिंह का है। दिनेश प्रताप सिंह भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए, लेकिन जिस फॉर्मूले पर स्मृति ईरानी ने काम किया, गाँव गाँव जाकर रुकी, गाँव गाँव जाकर लोगों से मुलाकात की, ठीक उसी तरीके से दिनेश प्रताप सिंह भले ही 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए, लेकिन 2019 से लेकर 24 यानी आज तक वो अपने आवास में बहुत कम रातें गुजारे हैं। इसके वो लगातार उन गांवों में जाते रहे हैं, गांव के लोगों से वहां पर वो मुलाकात करते रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी को इसका फायदा 2019 लोकसभा चुनाव में मिला था, इस बार उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को फायदा मिलने वाला है और वो करारी शिकस्त देंगे। इसीलिए कल जब जैसे ही टिकट अनाउंस किया गया दिनेश प्रताप सिंह का, दिनेश प्रताप सिंह ने आकर बाइट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भले कोई आ जाए, प्रियंका आ जाए, राहुल आ जाए, लेकिन करारी शिकस्त उनको रायबरेली की जनता इस बार देने वाली है, क्योंकि 5 साल तक सोनिया गांधी बहुत बड़ी लीडर है, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी चेहरा है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी लीडर है, तो वो रायबरेली की तरफ उस तरीके से वो रुख नहीं कर पाई। उनके जो प्रतिनिधि थे केएल शर्मा वो लगातार यहां पर आते रहे, लेकिन जो रायबरेली की जनता है इस बार बदलाव चाहती है, ये दिनेश प्रताप सिंह ने कहा था और यही वजह है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि दिनेश प्रताप सिंह जब हमारे सहयोगी अमित सिंह के साथ जुड़ेंगे, घर से बाहर आएंगे, तो क्या कुछ वो कहते हैं। जरा रुक करते एक बार, चूंकि संपर्क टूटा था, अनुपमा झा मेरी सहयोगी जो अमेठी में है, 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं अटकलों का दौर चल रहा है, रायबरेली अमेठी प्रियंका गांधी राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अब क्लैरिटी आ गई। अनुपमा, आप रिपोर्टर का काम होता है नब्स टटोलना, लोगों से मिल रही है, अमेठी के लोगों से मिल रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, अब पहले क्या कह रहे थे वो लोग और अब जाहिर बात है उत्साह बढ़ गया होगा। आप बिल्कुल देखिए पंकज, कल भी हमने वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि अमेठी की जनता जो है क्या कुछ चाहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए लेकिन लोग लगातार ये कह रहे थे कि हम ये जरूर चाहते हैं कि गांधी परिवार के जो कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो इस बार अमेठी से जो है चुनाव लड़ने चाहिए। हालांकि जरूर कार्यकर्ता जो है, कल भी हम यहाँ पर मौजूद थे, इसी कांग्रेस कार्यकर्ता में जो बातचीत कर रहे थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, दोनों में से कोई भी जो है यहाँ से चुनाव लड़ जाए। और तैयारियां भी जो है कल यहाँ पर इसी तरीके से की गई थी। देखिए मैं आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखा रखी हूं, अभी जो है कुर्सियां जरूर खाली है, सुबह सवेरे का वक्त है, लेकिन केएल शर्मा जो है, क्योंकि आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, केएल शर्मा सोनिया गांधी के बहुत करीबी कहे जाते हैं, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक के साथ जो है वो कामकाज कर चुके हैं, चुनावी प्रचार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेठी की जनता की नब्ज जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि आखिर अमेठी की जनता को क्या चाहिए। हालांकि अब सबसे इंटरेस्टिंग पंकज ये होगा कि जब केएल शर्मा यहां से चुनावी प्रचार करेंगे तो आखिर स्मृति ईरानी पर किस तरीके के कटाक्ष करेंगे, क्योंकि वो पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि अमेठी की जनता जो है वो सिरे से भारतीय जनता पार्टी को और स्मृति ईरानी को नकार चुकी है। हालांकि स्मृति ईरानी आज से नहीं, पिछले 2 महीनों से लगातार चुनावी प्रचार जो है वो यहां पर कर रही है, ग्राउंड पर जा रही है, महिलाओं से मिल रही है, गांव गांव जाकर उनसे बातचीत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचा रखी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि देखिए चुनौती केएल शर्मा के सामने बहुत ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि 2019 में यही सीट जो है वो राहुल गांधी हार गए थे। हालांकि वायनाड जरूर जीत गए थे, लेकिन अब ऐसे में अब अगर राहुल गांधी ने सोचा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए देखिए श्योर है कि अब परिवारवाद का आरोप चाहे लगाया जाए या ना लगाया जाए, लेकिन इस बात का आरोप जरूर लगाया जाएगा कि कहीं ना कहीं शायद राहुल गांधी डर गए हैं और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी के साथ साथ और स्मृति ईरानी के सामने जब केएल शर्मा होंगे, हालांकि कुछ ही देर बाद जब वो यहां से बाहर निकलेंगे अपना नॉमिनेशन। बिल्कुल, मैं लौटूंगा जरा आपके पास, दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अमेठी से, रायबरेली से माफ कीजिएगा, वहां मेरे सहयोगी अमित हैं। अमित, प्रत्याशी बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट में है कि वो राहुल गांधी को करारी शिकस्त देंगे। सर आप काफी कॉन्फिडेंट में है कि राहुल गांधी को आप करारी शिकस्त देने जा रहे हैं? मेरे पास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आशीर्वाद है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, रायबरेली के देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की शक्ति मेरे पास है।
हमारे रायबरेली जनपद के लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, इतनी सब लेके मैं चला हूं, तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए राहुल गांधी कोई मटेरियल होंगे। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के राजनीतिक विरासत हैं, इसीलिए वो अमेठी छोड़कर रायबरेली आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अमेठी में जिस तरीके से हार हुई उसके बाद उन्होंने रुक किया? अब राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए, अगर रायबरेली ही आना था तो उन्होंने वायनाड का बक्सा भरने के बाद क्यों रायबरेली आए? क्या ये साजिश नहीं है? क्या एक बार रायबरेली के लोगों को फिर धोखा देने की तैयारी है? और अगर रायबरेली के लोगों को धोखा देने की तैयारी है तो रायबरेली वासी बड़े समझदार हो गए हैं। अब धोखा देने वालों को उनके चंगुल में आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा एक बार फिर से, और रायबरेली जनपद में कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि 2019 में भले ही आप सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव हार गए, लेकिन अपने इस आवास पर रात आपने बहुत कम गुजारी है, लगातार आप गांवों में जाकर रात गुजार रहे थे, गांव वालों से मिल रहे थे, रायबरेली वासियों के सुख दुख में आप शामिल हो रहे थे, और ठीक यही फॉर्मूला स्मृति ईरानी ने भी अपनाया था सर। और कहीं ना कहीं जब भी मेरी आपसे बातचीत हुई इस बीच, तो आपने कहा कि रायबरेली की जनता सोनिया गांधी से नाराज है, वो नदारद रहती है, क्षेत्र में नहीं आती हैं, केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा उनके प्रतिनिधि उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते, अब किशोरीलाल शर्मा को अमेठी का कैंडिडेट बनाया गया है। जिस दिन रायबरेली वासी इस बात को सुनेंगे कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा जी को अमेठी लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया गया है, तो एक बार फिर राहुल जी के बारे में, मैं तो नहीं कहता हूं, मैं तो उनसे चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लेकिन जो दुनिया राहुल जी के बारे में कह रही है वही फिर से राहुल गांधी के बारे में पूरा देश कहेगा कि जो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को बना सकते हैं। आप रायबरेली की गलियों में पूछिए कि किशोरीलाल शर्मा जी रायबरेली के किसी गांव के प्रधान ही भी नहीं लड़ सकते, अगर राहुल गांधी उनको अमेठी का लोकसभा दे रहे हैं तो राहुल गांधी को भगवान शक्ति दे कि कम से कम कुछ तो समझ सकते होते, या तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी से डरे हैं कि अमेठी में एक बार झटका खाएं, अमेठी दोबारा नहीं जाना ठीक नहीं है, लेकिन अमेठी से बड़ा झटका रायबरेली की जनता राहुल गांधी को जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, प्रियंका गांधी ने अब रुख नहीं किया, संसद लास्ट तक बना रहा, लेकिन वो आ रही हैं, 4 घंटे के लिए रहेंगी यहाँ पर, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगी सर, इस पर एक आखिरी कमेंट आपसे। ये उनका प्रियंका गांधी का विषय है कि वो नहीं लड़ती हैं, लड़ती हैं क्योंकि उनके सामने ये धर्म संकट जरूर था कि वो वही रायबरेली से दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी ली थी। सोनिया गांधी को रायबरेली वासियों ने सांसद बनाया, सोनिया गांधी ने अपनी बिटिया प्रियंका गांधी को यहाँ का चार्ज दे दिया कि आप प्रभारी हो, फिर प्रियंका गांधी ने किशोरीलाल शर्मा को चार्ज दे दिया, तो रायबरेली वासियों को वोट के बदले ना सोनिया गांधी मिली, ना प्रियंका गांधी मिली, और ना ही किशोरीलाल शर्मा मिले, इसलिए प्रियंका गांधी रायबरेली की ओर नहीं रुक कर रही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सीधे यहां से बिल्कुल, तो दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट है रायबरेली से, उन्होंने अपने पूरे अस्त्र शस्त्र गिना दिए। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ है, रायबरेली की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ। उन्होंने कहा कि अमेठी से चुनाव आ रहे राहुल गांधी, वो छोड़ के चले गए वायनाड, और ऐसे ही रायबरेली को भी धोखा देंगे, रायबरेली की जनता का भी आशीर्वाद मेरे साथ है, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो इस बड़ी खबर पर कि राहुल गांधी रायबरेली से अब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और केएल शर्मा अमेठी से कैंडिडेट हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे